वैसे तो दुनिया में बहुत से पेट्स रखे जाते हैं, इनमें डॉग्स रखने के बहुत से लोग शौकीन होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसी कई कुत्तों की प्रजातियां हैं जो कि बहुत खतरनाक और खूंखार होती है और इन्हें कई देशों में बैन किया है। आज हम ऐसी ही 10 प्रजातियों के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं। नंबर 10, ग्रेट डेन। ग्रेट डेन जर्मनी में पाया जाता है। इनका वजन 54 से 90 केजी तक हो सकता है। इनकी हाइट 3 से 4 फुट तक लंबे होते हैं और ये कम से कम 8 या 10 साल जीते हैं। ये ज्यादा करके काले सफेद रंग के होते हैं। वैसे तो ये अपने मालिक के बहुत ही वफादार होते हैं। अगर इन्हें बचपन से ट्रेन नहीं करेंगे तो ये काफी आक्रामक होते हैं और किसी पे भी हमला कर सकते हैं। नंबर 9, बॉक्सर। बॉक्सर डॉग्स जर्मनी में 1895 में पाए गए थे। इनकी स्किन होती है वो काफी स्मूथ और एक कोट जैसी लगती है। ये लगभग 10 से 12 साल तक जीते हैं। इनका वजन 27 से 32 केजी तक होता है और इनकी हाइट 2 से 3 फुट तक लंबी हो सकती है। ये काफी फुर्तीले डॉग्स होते हैं। इन्हें अमेरिका में सिक्योरिटी डॉग्स में रखा जाता है। ये डॉग्स जर्मनी में युद्ध के समय संदेश पहुंचाने के टाइम पे यूज किए जाते हैं। नंबर 8, वुल्फ हाइब्रिड। वुल्फ हाइब्रिड एक क्रॉसमेट किया हुआ डॉग है। ये डॉग के पूर्व में ग्रे वुल्फ है। क्रॉसमेटिंग के कारण इनमें वुल्फ के कई गुण पाए जाते हैं। इनकी हाइट 1.5 फुट से 2 फुट तक लंबी हो सकती है। इनका वजन 50 से 70 किलो तक हो सकता है। ये डॉग कम से कम 12 से 15 साल तक जीते हैं। वैसे तो ये काफी वफादार होते हैं, पर अगर इन्हें गुस्सा दिलाया जाए तो ये अपने मालिक पे भी हमला कर सकते हैं। इन्हें डेली 1 से 1.5 घंटा तक ट्रेन करना पड़ता है। ये कुत्ते अमेरिका में बैन हैं। नंबर 7, अलास्कन मैल्यूमेट। अलास्कन मैल्यूमेट काफी एनर्जेटिक डॉग है। अपने स्वभाव के कारण ये काफी अग्रेसिव होते हैं। इस साइबेरियन हस्की करके एक डॉग है, उसके जैसे ये हूबहू लगते हैं। ये 10 से 12 साल तक जीते हैं। ज्यादा करके ये सफेद रंग के होते हैं। इनका वजन 36 से 43 केजी तक होता है। इनकी हाइट 2 से 2.5 फुट तक लंबी हो सकती है। इन्हें पेट्स रखा जाता है क्योंकि ये बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। नंबर 6, साइबेरियन हस्की। ये सुंदर सा दिखने वाला डॉग काफी खतरनाक हो सकता है अगर इन्हें प्रॉपरली ट्रेन ना किया जाए। वैसे तो ये बड़े क्यूट होते हैं और ठंडे प्रदेश में रहना पसंद करते हैं। ये साइबेरिया रीजन में पाए जाते हैं। इनकी हाइट 1.5 से 2 फुट तक लंबी हो सकती है। इनका वजन 20 से 27 किलो तक होता है। ये 12 से 15 साल तक जीते हैं। ये अलास्कन मैल्यूमेट की तरह हूबहू दिखता है और इन्हें इनकी आंखें बहुत सुंदर बनाती हैं। ज्यादा करके वो नीले रंग की होती है। नंबर 5, बुल मैस्टिफ। ये डॉग्स गार्ड डॉग्स होते हैं जो कि स्वभाव से काफी आक्रामक और खतरनाक होते हैं। अगर इन्हें प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया जाए तो ये काफी घातक हो सकते हैं। ये प्रजाति यूके में पाई जाती है। इनकी हाइट 3.5 फुट से 4 फुट तक लंबी होती है। इनका वजन 50 से 59 केजी तक हो सकता है और ये 8 से 10 साल तक जीते हैं। इनका शरीर काफी बड़ा होता है। बड़े शरीर होने के कारण इन्हें ट्रेन करना बहुत जरूरी है ताकि ये घातक ना बने। ये डॉग्स भूरे और काले रंग में पाए जाते हैं। नंबर 4, डॉबरमैन। डॉबरमैन काफी होशियार और तगड़ा कुत्ता होता है। जैसे ही इन्हें खतरे का आभास होता है ये तुरंत हमला कर देते हैं। ये स्वभाव से आक्रामक होने के कारण किसी भी अजनबी पे हमला कर सकते हैं। ये कम से कम 10 या 13 साल तक जीते हैं। इनका वजन 66 से 72 केजी तक होता है। इनकी हाइट 4 से 4.5 फुट तक लंबी होती है। वैसे ये डॉग जर्मनी में पाए जाते हैं, पर इन्हें कई देशों में बैन किया हुआ है। कैपी नाम का एक डॉबरमैन था जिसने यूएस आर्मी की जान बचाई। इसमें 250 जवान शामिल थे जो कि जापानीज आर्मी के अगेंस्ट लड़ रहे थे। ये कुत्ते ने यूएस आर्मी को सतर्क कर दिया था कि जापानीज आर्मी उन पर हमला करने वाली है। नंबर 3, जर्मन शेपर्ड। ये काफी तेज फुर्तीले और आक्रामक डॉग्स होते हैं। ये अपने मालिक के प्रति काफी वफादार होते हैं और जैसे ही इन्हें खतरे का आभास होता है ये तुरंत हमला कर देते हैं। भारत में इस डॉग को काफी शौक से पाला जाता है। इनका वजन 30 से 40 किलो तक होता है। ये कम से कम 9 से 13 साल तक जीते हैं और इनकी हाइट 2.5 फुट से 3.5 फुट तक लंबी हो सकती है।
जर्मन शेपर्ड को फैमिली डॉग भी कहा जाता है। अगर इन्हें प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाए तो ये कंट्रोल में रहते हैं, नहीं तो स्वाभाविक तौर के कारण ये किसी पे भी हमला कर सकते हैं। नंबर 2, रॉटवीलर काफी गुस्सैल प्रजाति है, इन्हें फैमिली में ना रखने की हिदायत दी जाती है। अगर इसका ट्रेनर अनाड़ी हो तो ये अपने ट्रेनर पे ही हमला कर देगा। इन्हें ट्रेन करने के लिए ट्रेनर को काफी शांत होकर इन्हें ट्रेन करना पड़ता है। इनकी हाइट 3.5 फुट से 4 फुट तक लंबी हो सकती है। ये 8 से 10 साल तक जीते हैं। इनका वजन 50 से 60 किलो तक हो सकता है। अपने भारी भरकम शरीर के कारण ये किसी को भी जख्मी कर सकते हैं। इन्हें पुराने जमाने में ग्वाले पशु रक्षण में इस्तेमाल करते थे। नंबर 1, पिटबुल। पिटबुल को लड़ाकू कुत्ता कहा जाता है। इनके जबड़े काफी मजबूत होते हैं और इनका काटना इतना पावरफुल होता है कि ये किसी की भी जान ले सकते हैं। इन्हें बचपन से ही ट्रेन किया जाता है ताकि ये समाज में रहना सीख सके। इनकी हाइट 2 से 3 फुट तक लंबी होती है। इनका वजन 20 से 35 किलो तक होता है और ये लगभग 12 से 16 साल तक जीते हैं। इन्हें देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि ये कुत्ता कोई बॉडी बिल्डर है और इस कुत्ते की प्रजाति को 12 कंट्रियों में बैन किया हुआ है। तो दोस्तों, आप इनमें से किस प्रजाति के डॉग को अपना पेट बनाना चाहेंगे? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और नई जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल हिंदी नॉलेज माइंड।